सुपर एट में टीम इंडिया ने पहला मुकाबला जीता है और इसके साथ ही जीत के बाद हम सभी को लगा कि पॉइंट्स टेबल का जो गणित रहेगा वो पूरा टीम इंडिया के पक्ष में रहने वाला है। लेकिन उसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपना मुकाबला जीता और भारत के ग्रुप वाला पूरा समीकरण जो है वो इधर उधर हो गया है और ऐसे में सेमीफाइनल का जो रास्ता है वो कठिन होने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल में टीम इंडिया किस टीम से भिड़ने वाली है उसका भी शेड्यूल लगभग लगभग पक्का हो चुका है। तो सेमीफाइनल की कौन सी चार टीमें होंगी इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे, टीम इंडिया किस टीम से सेमीफाइनल में भिड़ेगी ये भी बताएंगे और सुपर एट का पूरा गणित आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात इस वक्त ग्रुप की कर लेते हैं, जिसमें टीम इंडिया जो कुछ देर के लिए नंबर वन पर थी, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराया ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पर आ चुकी है और टीम इंडिया नंबर दो पर आ चुकी है ग्रुप वन की अगर हम बात करें। और ग्रुप टू में अगर आप देखें तो वहां पर इंग्लैंड की टीम नंबर वन पर है, साउथ अफ्रीका नंबर दो पर है अभी के हिसाब से अगर हम चलें। और यहां पर अगर आप देखेंगे इस ग्रुप में, भारत वाले ग्रुप में बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद इस लिहाज से नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर अफगानिस्तान है और फिर बांग्लादेश की टीम है, ये टीमें अभी आगे चलकर मुकाबला अपना हार भी सकती हैं, तो भारत को दो मुकाबले जीतने के साथ ही ये आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अब यहां पर क्या रहेगा कि अगर टीम इंडिया नंबर वन नहीं रहती इस ग्रुप में, क्योंकि समीकरण जो रहने वाला है सेमीफाइनल का उसको आप इस तरीके से समझिए कि जो पहले इस ग्रुप की अगर बात करें, ग्रुप वन की टॉप टीम होगी वो ग्रुप टू वाले से जो नंबर दो पर होगी उससे खेलेगी और जो ग्रुप टू की टॉप होगी वो इस ग्रुप के नंबर टू टीम से खेलने वाली है। अब ऐसे में अगर आप देखें भारतीय टीम अगर टॉप पर नहीं होती है तो फिर उसको शायद वहां पर अगर अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो इंग्लैंड टॉप पर है और अफ्रीका नंबर दो पर है, तो भारत को सेमीफाइनल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर खेलना पड़ सकता है इंग्लैंड की टीम से, क्योंकि भारत नंबर दो पर है और इंग्लैंड वहाँ पर नंबर वन पर है और ये फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ये रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और अभी हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन भी किया और हमें पिछला जो सेमीफाइनल था T20 वर्ल्ड कप का 10 विकेटों से हम इंग्लैंड से ही हारे थे। तो ये जो समीकरण है ये टीम इंडिया को परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन आपको शेड्यूल भी बता देते हैं कि सेमीफाइनल का जो शेड्यूल है वो किस तरीके का रहने वाला है। सेमीफाइनल की बात करें तो पहला सेमीफाइनल 26 जून को होगा, वहीं दूसरा सेमीफाइनल 27 जून को रहने वाला है। अब यहां पर यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि भारत दूसरा सेमीफाइनल खेलता है और वहां पर क्या है, दूसरे सेमीफाइनल में बारिश अगर आती है तो रिजर्व डे भी नहीं है, तो ये भी नुकसान होगा और साथ ही इंग्लैंड की टीम आ गई है तो ये भी एक बड़ा नुकसान रहेगा। तो ये है पूरा शेड्यूल कि भारतीय टीम किस टीम से भिड़ने वाली है सेमीफाइनल में। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर भारतीय टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होता है या अफ्रीका से, तो कौन सी टीम के खिलाफ भारत को जीतना आसान रहने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।